पीर पैगंबरों ने इंसान की दशा को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा सही दिशा की ओर प्रेरित किया है, और ऐसी ही सही दिशा की ओर ले जाती है निरंकारी मिशन की विचारधारा भी। इन विचारधाराओं को देश और विदेश से संजोकर हम आपके लिए लाते हैं न्यूज़ डिवाइन के माध्यम से। जून महीने के इस एपिसोड में आपके साथ हूं मैं, मुक्ता। नमस्कार, धन निरंकार। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस महीने की हेडलाइंस पर। सेल्वेशन टूर, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। संतों ने हमेशा संसार को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। दुनिया के कोने कोने में जाकर इसी सत्य को फैलाने के लिए सदगुरु बाबा जी व परम पूज्य माता जी समय समय पर कल्याण यात्राएं भी करते हैं। जून के महीने में हुई देश और विदेश की कल्याण यात्राओं का एक संक्षिप्त ब्यौरा देखते हैं इस रिपोर्ट में। कल्याण यात्राओं की लड़ी में जून के महीने में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एवं परम पूज्य माता जी 4 जून को पंचकुला पहुंचे। यहां पर इसी दिन सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्संग कार्यक्रम में भक्तों को अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मानवता के नाम अपने संदेश में हुजूर ने कहा, भक्त यही जानता है कि मालिक ने गिनी चुनी घड़ियां जीवन को जीने की दी हैं, तो इन घड़ियों का हम पूरा पूरा लाभ क्यों ना उठाएं। तो जो कदर कर लेता है अपने जीवन की, अपने श्वासों की, इन तमाम उत्तम भावनाओं की, तो फिर उसकी कदर पड़ जाती है। 5 जून को चंडीगढ़ और जीरकपुर में श्रद्धालु भक्तों को नमस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली के समागम ग्राउंड में विदेश कल्याण यात्रा से पूर्व विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। यहां पर भक्तों ने हुजूर बाबा जी को कल्याण यात्रा की शुभकामनाएं दी। 11 जून को हुजूर बाबा जी और परम पूज्य माता जी विदेश कल्याण यात्रा के लिए रवाना हुए। 27 जून को हुजूर बाबा जी और परम पूज्य माता जी लंदन पहुंचे। यहां पर भक्तों ने अपने सदगुरु और पूज्य माता जी का उत्साह पूर्वक भावभीना स्वागत किया। 28 जून को लंदन में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्संग कार्यक्रम में लंदन व आसपास के श्रद्धालु भक्त एकत्रित हुए और सदगुरु बाबा जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। 28 जून को हुजूर बाबा जी लंदन से मॉन्ट्रियल के लिए रवाना हो गए। तो ये थी कल्याण यात्रा की एक रिपोर्ट। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस कल्याण यात्रा के दौरान इस नूरानी जोड़े ने यूके, यूएसए और कनाडा के विभिन्न शहरों में जाकर सत्संग व यूथ कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस सत्य और भाईचारे का प्रचार किया, जिसकी रिपोर्ट आप देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। और अब समय है दूर देशों में हुई मिशन की गतिविधियों को जानने का। मिशन ओवरसीज में आइए देखें ये रिपोर्ट। The Calgary branch of Sant Nirankari Mission, Canada, hosted a Music for Oneness event at the Calgary Bhavan. Collaborating with multicultural artists, His Holiness's universal message of oneness was conveyed, while also making contributions to the disaster relief efforts in Nepal. In the presence of hundreds of audience members, people came out from the community to support this great cause. Artists came from the Filipino community and the Indian community. The event was covered by the media, on TV and radio also. During the event, people made donations to the Nepal earthquake relief efforts and enjoyed a melodic lineup of artists. So we're here in the very heart of Hayes, celebrating the Oneness Festival. Now this festival has been going on for the past 3 years, and the idea is to bring the community together and celebrate this whole idea of oneness. Now every year we host a cricket match, usually a friendly match between the British Army and the Sant Nirankari Mission, and also inviting the wider community to come and enjoy the festivities of the summer and of course the lovely weather. It's just like bringing community, people and everything together. When we look around and see exactly like what's happening in the world today, you know what I mean? We need this sort of thing, you know what I mean? Just unite everyone together, irrespective of race, color, origin, anything, you know what I mean? Just oneness. Bob Marley said one love. Yeah. I definitely think it's a brilliant thing to do because it brings all different communities together. So you mentioned something about, you know, being female and playing a very male-dominated instrument. So
So this whole idea of oneness, obviously, you know, you're bringing that into music. We wanted to bring something together where there's male and female to show that why not work together and create something bigger, better. Yeah, gender equality. Because tell me a bit about the work that the mission's done. You mentioned the Nepal crisis that happened. So how did the mission sort of help on that front? Basically, a lot of volunteers have gone there. We've fundraised as well. So using that money, we've outreached them, helped them to build their homes as well, food donation. Not too bad, I'm excited. Particularly because it's for a very good cause, and I've had a great support from my family and friends, and I've been able to raise some money, so I'm really, really excited. Okay, so how many sort of volunteers are here now that are going to do this sponsored firework? How much money have you personally sort of raised towards the greater cause? Yeah, so there are about 30, I think, and I've personally raised about £340 Fantastic. A day. Oneness is needed so much that each and every person, each and every country have to come together so we can all live in peace and harmony. So the Oneness Festival sadly come to a close, but wow, what an absolutely amazing day. The Oneness Festival is getting bigger and bigger each year. I mean, third year running on, and we're getting more and more participants and also more and more guests that are coming. What did we want to achieve today? Raise money for the Nepal crisis as well as bring the community together, and that's exactly what we've done. So until next year, we'll see you at the next Oneness Festival. So this was the Bureau of Far-Flung Activities. हम और आप जुड़े रहेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। Universe Target is a quality magazine. Does exactly what it says on the tin. It's universal. A random flicker through the pages of this magazine shows contributors from America, Canada, Australia, Dubai, Canuck, and Warsaw, where I'm from. So I really do feel as if I'm part of a universal family. I think it gives a great opportunity for like writers and poets to express themselves when it comes to things like spirituality. Have you subscribed to it? The eclectic mix is just so informative. And you just can't fail to find something that really sort of penetrates, really touches you on a deeper level. Because I think with so many different things that are causing divide in and around the world, anything that brings people together is a great thing. This magazine is phenomenal. In the world today of materialism and different kinds of media and messages out there, we really need something like this. For me, the Universal Target is very inspirational, it's very innovative in terms of its themes, and it makes me analyse my spirituality and where I stand. To sum it up in three words, I call it a platform of love. And if you want me to sum it up in three words, I'll do it in two. Soul food. Love, literature, brainwaves and light bulbs. My neurons positively charged when I peruse through the Universal Target. That's how I feel, and I want you to feel the same. Subscribe. Welcome back. There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people.
After the section Mission Overseas, now it's time to look into SNCF Diary. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जहां पूरे देश में योगा डे मनाया गया, वहीं निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से निरंकारी सरोवर परिसर दिल्ली में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो सूर्य उदय हो चुका है दर्शकों, और पूरा देश ही नहीं, पूरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व आज इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट कर रहा है। हम खुद इस वक्त निरंकारी संत सरोवर पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, जवान नहीं, किसी एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए सभी यहाँ मौजूद हैं। आपको खुद हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ भारी तादाद में लोग आए हैं, और भारत सरकार ने जो प्रण लिया है योगा को पूरे विश्व में फैलाने का, उस प्रण के साथ यहाँ सभी मौजूद हैं, योगा के गाइडेंस के लिए भी मौजूद हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं, और उसके साथ ही उनको फॉलो करके सभी यहाँ योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सेंटर में आकर के रुके, हाथ को चेंज करें उसी पोजीशन में जैसे पहले था, बड़ा ही धीरे से, अब फिर धीरे धीरे से वापिस आए। क्या महसूस किया? भारीपन होता है कोहनी में, हाथों में, शोल्डर्स में, बैक साइड में, जिसको जिस जगह भारीपन महसूस हुआ, समझ लो कि वो एरिया आपका सर्कुलेशन वीक है, आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या होने वाली, वो एरिया आपका ब्लॉक किया हुआ है। इसको, इस एक्सरसाइज को करने से मत, आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे, हर रोज अगर ये 2 या 3 मिनट कर लेंगे आपकी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी। तो योगा दिवस मन रहा है, और क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आप यहाँ आए, योगा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, रोज रोज ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए हमारे कहीं। तो क्या आज यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि आपसे रोज योगा करना चाहिए? चाहे मेरे पैर बैठा नहीं जाता, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं करूं ताकि शरीर खुल जाए सा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से जो आयोजन किया गया, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये तो हमारा अपना मिशन नहीं है, सब कुछ निरंकारी मिशन के, हम बच्चे हैं, यहीं से पले हैं, बड़े हुए हैं, यहाँ से सब कुछ मिल रहा है हमारे को, आत्मिक खुराक भी मिलती है और शारीरिक खुराक भी मिलती है। मेरा नाम करण है, मैं वैसे तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, बट फिर भी मैं आज यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे पे आया हुआ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, SNCF की तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूँ और सुबह सुबह जल्दी उठ के मैं योगा करा करूँ, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत मज़ा भी आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमेशा जल्दी उठ के सुबह योगा करा करूँ। वेरी मच, इट्स वेरी ग्रेट एक्सरसाइज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड सोल, इट गिव्स अ स्पिरिचुअल टच, इट्स अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा कर्नाटक में बेंगलोर, महाराष्ट्र में मुंबई और विदेशों में भी ये दिन योग दिवस के रूप में मनाया गया। रक्तदान शिविरों की लड़ी में जून के महीने में भी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिनमें से प्रमुख स्थान रहे दिल्ली, महाराष्ट्र में भायंदर, बोरीवली, मुंबई, पुणे, पिंपरी और डोंबेवली, हरियाणा में झज्जर, कैथल, नारनौल, राजस्थान में सूरतगढ़, गंगानगर, हिमाचल में पाउंटा साहिब, और इसके अलावा सिक्किम में भी सैकड़ों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने रक्तदान कर सतगुरु बाबा जी की शिक्षाओं को चरितार्थ किया। जून के महीने में हैदराबाद में ब्लड डोनर डे पर संत निरंकारी मिशन को सर्वश्रेष्ठ ब्लड डोनर के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा हैदराबाद में ही SNCF की ओर से फिश मेडिकॉस कैंप लगाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाया गया। जून के महीने में ही SNCF ने सिंगर इंडिया कंपनी के साथ मिलकर
विले पार्ले मुंबई में एक सिलाई कढ़ाई केंद्र का उद्घाटन किया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 5 जून को नासिक के गोविंद नगर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें निरंकारी मिशन के सेवादारों ने गली मोहल्लों और कचरे से भरी गंदी नालियों को साफ कर सही मायनों में सफाई अभियान की प्रेरणा दी। Now it's time again for a short break. Some more random news of the mission coming up. Stay tuned. Fountain of Oneness, the light and sound show. देखने के लिए पधारें निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 7 and 7:30 PM. न्यूज डिवाइन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है एक खास मुलाकात। और ये मुलाकात आज के शख्सियत के साथ है, वो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, एक आध्यात्मिक क्रांति है और इसका मूल आधार एक ईश्वर, एक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, हम सब में व्याप्त है। उस ईश्वर की उपासना करना ही सच्चे तरीके से सिखाना और उसके द्वारा मानव मात्र के अंदर विश्व बंधुत्व उसको पैदा करना, जब ये काम होता है तो उसके बाद फिर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती, उसके बाद कोई ऊंच नीच जात पात छुआछात भेदभाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि हम सब उसी एक ईश्वर की संतान हैं जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। मैं समझता हूँ इस एक विचार मात्र से पूरी दुनिया के अंदर एक नया समाज गढ़ा जा सकता है, नए ढंग से हम पूरी दुनिया के पूरे तंत्र को, जो भी आज कुछ विषमताएं पैदा हैं जिसकी वजह से हम अपने समाज में, भारतीय समाज में देखते हैं ऊंच नीच जात पात की बीमारी, यदि उसको मिटाना है तो मैं समझता हूँ संत निरंकारी मिशन का ये सिद्धांत कि कोई जात पात, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, यह पूरे राष्ट्र में, पूरी मानवता में फैल जाना चाहिए। जातिवाद को मुक्त करना और बेटी को बेटे के बराबर, बल्कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बेटियों को ज़्यादा ही प्यार मिलता है बेटों से, ये मुझे और अच्छा लग रहा है। ये है असली क्रांति। कहीं मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाने से, नारियल फोड़ने से बात नहीं बनती, जीवन के अंदर जब तक हम बेटी को बेटे के बराबर का प्यार नहीं देते तो वो अध्यात्म अध्यात्म नहीं है, वो कोई सौदेबाजी है। परमात्मा की कृति दोनों की बराबर है। आज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है निरंकारी मिशन के माध्यम से, सरकारें तो बढ़ावा देती हैं लेकिन निरंकारी मिशन पूरी ईमानदारी के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन से नशा को, शराब को, नशे की गोलियों को, सिगरेट के धुएं को, सारी चीज़ों को विदा करता है। मैं समझता हूँ एक इतनी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है, इसके ऊपर भी हमारी पूरी सहमति बनी है। सारी मानवता एक परिवार है, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होना चाहिए, अमीर गरीब के बीच की खाई भी पटनी चाहिए, इंसान और इंसान के बीच एक रिश्ता बनना चाहिए और वहाँ पर न चोटी और न दाढ़ी, न मंदिर, न मस्जिद, कोई चीज़ लड़ाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाबा हरदेव जी का ये विचार मुझे बहुत प्यारा लगा कि धर्म वो है जो जोड़ता है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं हो सकता। Now it's time to look on the last segment of this episode, other news. 5 जून को बेंगलोर में अमेरिकन बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्क्रम अलायंस की ओर से वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व के 16 देशों के 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में श्री सीएल गुलाटी जी ने संत निरंकारी मिशन का प्रतिनिधित्व किया और मुख्य भाषण के रूप में निरंकारी मिशन का संदेश दिया। Global family, the blissful message for this conference His Holiness Nirankari Baba Hardev Singh Ji Maharaj said, life gets the meaning if it lives for others. जून के महीने में ही प्रचार विभाग की ओर से
अनेकों स्थानों पर ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए, जिनमें 10 और 11 जून को अहमदाबाद और 12 जून को सूरत और वडोदरा प्रमुख रहे। जून के महीने में ही निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग की ओर से अनेकों बाल समागम आयोजित किए गए, जिनमें दिल्ली में मॉडल टाउन और अवतार इनक्लेव, कर्नाटका में बेंगलोर और पंजाब में भटिंडा मुख्य स्थान रहे। यहाँ पर बच्चों ने गीत, विचार, कविता, स्किट आदि अनेकों कलाओं के माध्यम से जहाँ निरंकारी मिशन का संदेश दिया, वहीं अपनी प्रतिभा के द्वारा उपस्थित जन समूह को आकर्षित किया। नमस्कार धनी निरंकार दर्शकों, आज न्यूज डिवाइन की टीम आ पहुंची है मॉडल टाउन के बाल समागम में। यहां पर एक बहुत ही भव्य बाल समागम आयोजित किया गया है। आसपास के कई इलाकों के बाल बच्चों को यहां पर बुलाया गया है उनके भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, और देखेंगे यहां पर हम कि किस तरह से भक्ति में लीन ये बच्चे सदगुरु की महिमा गाते हुए नजर आते हैं। भाई किसको कहते हैं? जो खुद भी गुरु के साथ जुड़ा हो और दूसरों को भी गुरु के साथ जोड़ दे, जो खुद भी गुरु को खुश कर पाए और दूसरों को भी ऐसी राह दिखला दे, उसको गुरु भाई कहते हैं। धन रेखा जी, सेंस आज हमें अवतार इनक्लेव भवन पर आए हैं और हम यहाँ बाल समागम के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे सेक्टर्स यहाँ पर आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। मैं बाल समागम पे आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब मिलजुल के एक साथ गा रहे हैं। जब से मैं इस मिशन से जुड़ी हूँ तो मेरे को निरंकार मिला जो मेरी हर विश पूरी करता है। निरंकारी राजमाता जी को ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश कब हुई? निरंकार राजमाता जी को ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश 8 वर्ष की आयु में हुई। इसके अलावा 21 जून को देहरादून में एक बाल समागम का आयोजन हुआ। इस बाल समागम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भी पधारे और उन्होंने अपने उद्बोधन में निरंकारी मिशन और बाल संगत के बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो दर्शकों, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी जून के महीने की गतिविधियों को आप तक पहुँचाने की। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह हमारा साथ देते रहेंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक्स और सजेशंस का। फिलहाल दीजिए इजाज़त मुक्ता को अगले महीने तक। नमस्कार, धन निरंकार।